हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मेरे साथ है ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और अभी ये सीएमए सेमी क्वालिफाइड है। फाइनल का भी एक ग्रुप क्लियर है, एक ग्रुप ही बस पेंडिंग है। बट ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे पैकेज पे हैं। और अभी इनका सिलेक्शन एज ए एसएपी कंसल्टेंट भी हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, सर एसएपी में हम कैरियर बना सकते हैं जैसे सेमी क्वालिफाइड या नहीं। तो आप सबके सामने एक रियल एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कंप्लीट देखना बिल्कुल ना भूले। हाय ओम, कैसे हो आप? हेलो, बढ़िया। थैंक यू सब भाई, अच्छा चल फर्स्ट रहा ऑफ है? ऑल थैंक यू। हाँ तो हाँ अभी सब आपको बढ़िया कैसा है। फील हो रहा है? आपका लाइक आपके पास न्यू ऑफर भी आपको रिसीव हो चुका है, और आई थिंक आप काफी टाइम से ट्राई भी कर रहे थे आपको ऐसे पे कंसल्टेंट के लिए। हाँ वैसे मतलब फील तो बढ़िया ही हो रहा है, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब पैकेज भी अच्छा खासा मिला है। तो मतलब थोड़ा मतलब समय लगा, मैं जॉब सर्च करना ऑलमोस्ट मतलब तैयारी करना इसका 7-8 महीने हो गए थे स्टार्टिंग से, तो थोड़ा समय लगा जॉब सर्च करते करते। तो बस वही है, बट एट द एंड अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। तो कंसल्टेंट में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, एज ए कंसल्टेंट थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि जॉब के लिए इंटरव्यूज वगैरह का तैयारी करना पड़ता है, बट होप नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस वही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नई कंपनी में जाऊंगा तो आपने इरशाद सर से आपने क्लासेस लिया एसएपी का, और काफी सारे बच्चे और भी सीएमए के हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, तो इरशाद सर का सपोर्ट आपके लिए कैसा था ड्यूरिंग दी कोर्स कैरिकुलम? हाँ, ये साथ सर से एक्चुअली कांटेक्ट तुम्ही से आप ही से हुआ था कि मैं आपसे ही कांटेक्ट किया था कि आपने एक पोस्ट डाला था व्हाट्सएप पे कि ज्वाइन करने के लिए एसएपी फीको का। तो मेरे माइंड में उस टाइम पे था कि कोर्स करना है एसएपी फीको का, बट उतना क्यूरियोसिटी नहीं था। बट जब मैं देखा आपको कि मतलब आप व्हाट्सएप वगैरह पे डाल रहे हो स्टेटस, और आप फिर ज्वाइन भी किया एक्सेंचर, तब तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ अंदर से, यार बढ़िया है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वही मतलब आपका पोस्ट व्हाट्सएप स्टोरी देखा, तो फिर मैं आपको कांटेक्ट किया कि सर क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, पोस्ट लेने के बारे में सोचा, सर से बात हुई, फिर मैं इनरोल हुआ उनके अंडर। तो उनका भी मतलब ट्रेनिंग फिर स्टार्ट हुआ, तो अच्छा है, उनका ट्रेनिंग बेस्ट है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो। और सबसे अच्छी बात उनकी लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब वो सर है ना कि मतलब हर पॉइंट पे आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के समय हो या फिर वीडियोस देख रहे हो, आप ट्रेनिंग देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे, वो ऑफिस से भी सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ जहाँ भी डाउट हुआ मुझे वहाँ उन्होंने सपोर्ट किया, रिज्यूम वगैरह के लिए भी सपोर्ट किया कि रिज्यूम कैसे बनाए, क्या क्या लिखना चाहिए उसमें, एज ए कंसल्टेंट तुम आपको क्या शो करना चाहिए ताकि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो। तो ये सब चीज़ों में मतलब बहुत अच्छा उस हेल्प किया उन्होंने सपोर्ट के। मैं बता रहा हूँ कि मतलब क्लास लिए हुए उनसे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, बट बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक कर गया था, ट्रेनिंग ले ली, क्लासेस ले ली, फिर मैं उतना फोकस्ड नहीं था, तो बीच में 1 साल मतलब क्लास लेने के बाद छोड़ दिया था, कुछ नहीं किया। फिर मेरे को अंदर से लगा कि नहीं, अब करना चाहिए, क्लास लिए हैं तो कर कहीं फायदा है। तो मैं फिर दोबारा से करने का सोचा, सर को दोबारा कॉल किया कि सर अब ऐसा ऐसा हो चुका है, बिल्कुल मतलब मैं भूल गया हूँ पहले जो भी पढ़ा था। अब तो सर का उस टाइम पे एक नया बैच हो रहा था स्टार्ट, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस बैच में ज्वाइन कर लो, मैं ज्वाइन कर लेना, फीस वीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस स्टार्ट करो फिर से। और उन्होंने कहा था कि मुझे अब लगता है, भरोसा है कि आप कर लोगे, तो मतलब थोड़ा बहुत हिम्मत बढ़ा मेरा। फिर से मतलब दूसरा बैच में भी उन्होंने एंट्री दे दी, और फिर मैं स्टार्टिंग मतलब तैयारी शुरू किया, सारा कुछ प्रैक्टिस वगैरह, फिर इंटरव्यूज वगैरह का सारा कुछ वैसे मतलब से स्टार्ट किया मैं। तो ओके ग्रेट। सर का सो गाइडेंस बहुत रहा है। और फाइनली अभी आप काफी खुश भी हो। अच्छा, आपने लाइक सेमी क्वालिफाइड होने के बाद जो आपने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, और अभी आप एसएपी कंसल्टेंट भी आप बन चुके हो,
तो ये जो जर्नी रहा आपका, आप कितने टाइम से आप ऑलरेडी वर्किंग हो? मैं वर्किंग 2018-19 से ही हूँ, ओके और बट बीच में 1 साल 1.5 साल का गैप था मेरा जॉब में। तो स्टार्टिंग में मैं CFM ज्वाइन किया था सीखने के लिए, जैसे हम लोग का ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो मुझे काम सीखने के लिए CFM ज्वाइन किया। मैं 6 महीने वहाँ काम किया, फिर CMFM भी ज्वाइन किया, 6 महीने वहाँ काम किया। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में मतलब नॉलेज के लिए मैं ज्वाइन किया, उसके बाद फिर थोड़ा मतलब अब समय के साथ है, पैकेज ही मैटर करता है, तो थोड़ा अब देखना था कि हाँ कॉरपोरेट में जाना है, फॉर्म में कब तक रहेंगे, और कॉरपोरेट में अगर जाएंगे तभी मतलब कैरियर आगे बढ़ेगा। तो फिर मैं जॉब सर्च कर रहा था, तो फिर जेनपैक में हुआ मेरा, और अभी जेनपैक में ही हूँ। फिर जेनपैक में भी 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, और अब स्विच कर रहा हूँ यहाँ से। जेनपैक में जब था वो जेनपैक में मुझे SAP पे काम करने का मौका मिला एज एंड यूजर, तो SAP में इंटरेस्ट जगा मुझे, कॉस्टिंग वगैरह में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था मुझे मेरा। तो फिर मैं सोचा कि अब कंसल्टेंट का कैसे क्या रोल होता है, एंड यूजर तो मैंने काम कर लिया, कंसल्टेंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट जगा। तब फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर रोहन उससे हुआ, सर से हुआ, इरशाद सर से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि हाँ कंसल्टेंट का ये जॉब होता है, ये रोल होता है, ये काम होता है, कंसल्टेंट का स्कोप बहुत बढ़िया है, और आपको मतलब कंसल्टेंट बन जाओगे तो बहुत सही रहेगा, फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है कंसल्टेंट का। तो इसलिए मैं कंसल्टेंट में स्विच किया, फिर भाई मेहनत करी, प्रैक्टिस वगैरह करा और तैयारी किया करा, फिर तो बस उसी का आज रिजल्ट है। अच्छा एक चीज, लाइक एज ए सेमी क्वालिफाइड अगर कोई भी स्टूडेंट एफर्ट करे, तो जैसे आपने बताया 3 से 4 साल आपने काम किया और अब आप SAP कंसल्टेंट बने हो, तो एक पैकेज रेंज एज ए सेमी क्वालिफाइड स्टूडेंट भी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि सी एट दी एंड हम ये देखते हैं कि अगर हम CMA कोर्स कर रहे हैं, हम क्वालिफाइड नहीं हुए, तो क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, हम सेमी क्वालिफाइड रह जाए तो भी? तो आप एक रेंज आप बता सकते हो कि क्या रेंज स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं जैसे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जहां पे अभी आप हो? देखिए मतलब रेंज तो डिपेंड करता है, अगर आप ऐसा हो कि मतलब क्वालिफाइड नहीं हो, सेमी क्वालिफाइड हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस बढ़िया है, नॉलेज बढ़िया है, और ऊपर से बैकग्राउंड भी बढ़िया है, CMA का तो बैकग्राउंड है ही बढ़िया, तो अगर क्वालिफाइड नहीं भी हो तब भी ऐसा नहीं है कि मतलब वैल्यू नहीं है मार्केट में, मार्केट में डिमांड है सेमी क्वालिफाइड का भी। बस आपको मतलब अंदर की अपनी खुद की जो वो होती है ना कि सेल्फ अपनी वैल्यू मोटिवेशन मतलब और सामने को हाँ करेज। मोटिवेट मोटिवेट रहना है, और कभी अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है कि मैं चलो अंडर वैल्यू इतने में फेस काम कर नहीं। लूँगा, नहीं अंडर वैल्यू नहीं करना कभी अपने आप को, और हमेशा मतलब एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यू फ्रेशर्स को भी नहीं उतनी पैकेज मिलती है, बट बाय द टाइम ऐसा नहीं है कि मतलब जो हमारी पढ़ाई है वो काम आती ही है, और एक्सपीरियंस धीरे धीरे जुड़ते जाएगा। तो पैकेज भी मतलब 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस का पैकेज 10 से 12 के बीच में हो ही जाता है, 10 12 14 के आसपास पैकेज हो जाता है, बस आपको मांगना ही पड़ता है। ऐसा मतलब HR होती है ना सैलरी नेगोशिएशन, तो उसमें आपको मांगना पड़ता है, अब आप ही कम मांगोगे तो फिर वो कम देंगे ही, तो ये भी डिपेंड करता है थोड़ा सा सैलरी नेगोशिएशन, और तो वही है। और अगर आपका फ्रेशर है आप, तो फ्रेशर में तो मैं कहता हूँ कि फ्रेशर अगर CMA फाइनल में कोई बंदा है या कोई भी लड़की हो या लड़का हो, तो उनको एटलीस्ट 4-5-6 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 5-6 का तो मिल जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत अपना स्किल्स वो करना पड़ेगा, अप स्किल्स करना पड़ेगा, स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, वो मिल जाएगा, ऐसा है। ओके सो आप ऐसा कह रहे हो, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम अगर फॉर्म में देते हैं और फिर अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो लाइक 5 to 6 लाख वो अर्न कर सकते हैं, और जैसे आपने बताया अगर 4 to 5 ईयर्स के बाद वो कम से कम 10 to 12 LPA वो अर्न कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अगर वो अपने स्किल्स और नॉलेज के ऊपर अच्छा काम करे। तो थैंक्स, काफी सारे स्टूडेंट्स के ये सारे डाउट्स थे और इवन
मैं भी पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, इवन मैंने भी, इवन ओम के अलावा भी और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने कनेक्ट किया है जो सेमी क्वालिफाइड थे, और उन्होंने इंडस्ट्री में 2 से 3 साल काम करने के बाद आराम से 7-8 लाख का पैकेज तो जनरली मिल जाता है। ठीक है, अभी ओम की प्रोफाइल थोड़ा सा एसएपी कंसल्टेंट का है, तो एसएपी कंसल्टेंट की प्रोफाइल पे पे पैकेज थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप सबको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई करो कि आप एसएपी सीखने का। और डेफिनेटली आप, ओम ने एक टाइम में अप्रोक्स 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एसएपी सीखने के लिए, और आज वो रिटर्न में आ रहा है। आज काफी एक अच्छे पैकेज के साथ ओम एक न्यू कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, एक काफी बड़ी आईटी कंपनी को है। अभी हम नेम डिस्क्लोज नहीं किए हैं, और सो आपको नेम भी मालूम चल जाएगा कुछ दिन में, आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब ये कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको नेम दिख जाएगी ओम के लिंक्डइन प्रोफाइल पे। आप ओम से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप शायद ओम प्रकाश शर्मा के नाम से आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, राइट? ओम प्रकाश शर्मा। सो किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लिंक्डइन पे आप ओम से आप कनेक्ट कर सकते हो, आप चीजें आप पूछ सकते हो। एंड आप सबको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्किल्स पे काम करो, और ओम आपके साइड से कोई सजेशन स्पेशली एसएपी का कोर्स और इरशाद सर के लिए, कि बच्चों को इरशाद सर का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जरूर करना चाहिए, स्टार्ट अपने करना पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ाओगे आप ना, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। अभी अगर आप इतने मतलब पैसे खर्च कर देते होंगे घूमने में, फिरने में, पार्टी करने में, या जो भी हो, तो खाने में, पीने में, अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे ना, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्किल, जिससे इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि आजकल का जो वो है ना मार्केट, जो इंडस्ट्री है, उसमें स्किल्स मैटर करता है। आपके पास अगर स्किल्स है तो आपकी डिमांड है, वैल्यू है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपका डिमांड है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर, अपने आप को मतलब एनालाइज करके उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने का सोचना चाहिए। अपने आप पे इन्वेस्ट करो, ट्रेनिंग लो, जैसे मैं लिया, पहले वो 25,000 30,000 जो भी लगे लगे, बट तो वो फ्रूटफुल रहा ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आने वाले जनरेशन को, मतलब अपने भाइयों लोगों को, बहनों को, कि अच्छे से मतलब स्किल्स अपना इम्प्रूव करें। ट्रेनिंग से अगर इंटरेस्ट है उनको SAP में, इनको कंसल्टेंट बनना है, तो मतलब सर से कोचिंग लें। सर बहुत अच्छे गाइड करते हैं, और वो मतलब ऐसा नहीं है, वो मतलब पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप ये सोच सकते हो, ओम ने 1 साल पहले क्लासेस लिया था और फिर भी दोबारा सर ने ओम को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ऑफर किया। ऐसे कोई भी फैकल्टीज नहीं है जो मार्केट में आपको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स ओम, आप हमारे साथ ज्वाइन किए और आपने अपनी जर्नी भी शेयर की। ऑल दी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आप जल्दी से SAP कंसल्टेंट बनो, और आप फ्यूचर में SAP सर्टिफिकेशन के लिए भी आप जाओ, ग्लोबल सर्टिफिकेशन लो और आगे बढ़ो। यस यस, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। जो सर से मतलब मेन कांटेक्ट कराने वाला पर्सन आप ही हैं, तो लिए मतलब मेरे को इंटरेस्ट था, तो आप ही जरिया थे सर सर के पास जाने का, तो उसके लिए भी धन्यवाद। आपको भी सर को भी सर को भी ओके, थैंक यू।